नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज का हमारा सब्जेक्ट है टाइप्स ऑफ रूप्स। तो चलिए देखते हैं कि रूप्स हमारे जो भी छत रहता है, ठीक है, जिसे हम स्लैब्स भी कह सकते हैं, ठीक है, थीके? लेकिन जब कंक्रीट का जो रहता है उसे हम जनरली स्लैब कहते हैं, तो इसे हम रूप्स ही कहेंगे, ठीक है, जो कि छत होता है, ठीक है, जो कि चार दीवार के ऊपर जो भी डाला जाता है, ठीक है, जिसे धूप और पानी से प्रोटेक्शन हमें मिलता है, ठीक है, तो उसे जनरली हम सिंपल से लैंग्वेज में उसे रूप कहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो हम पहला देखते हैं, फर्स्ट, तो फर्स्ट हमारा रूप रहता है, ठीक है, एक ऐसा एक आपको शेप देखने के लिए देखने को मिलेगा आपको, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कैंटिलीवर बनाया रहता है और यहाँ से कुछ ऐसा एक गटर रहता है, ठीक है, जिससे पानी, बारिश का पानी यहाँ से आके, है ना, ये दोनों साइड से ही, मतलब यहाँ से भी और उस साइड से भी, ठीक है, दोनों तरफ बाजू से निकलता है, ठीक है। ये सिंपल से हम इसे वाल कहेंगे, ठीक है, ये भी वाल होता है। अभी दूसरा हमारा शेप देखते हैं, ठीक है, थीके? आज का वीडियो सिर्फ मुझे आपको टाइप्स ऑफ रूप्स, मतलब रूप्स कितनी अलग अलग, मतलब अलग अलग रूप्स को क्या कहते हैं, ठीक है, थीके? कितने प्रकार की रूप्स होती है, तो उसके बारे में मेरा आज का वीडियो है दोस्तों, ठीक है। तो इसे नाम भी रहेगा, ठीक है, तो इसे हम नाम देते हैं, सॉरी नाम इसका है ही, इसको लीन टू रूफ, ठीक है। इसे क्या, ऐसे अगर आपको छत दिखती है दोस्तों तो इसे क्या कहेंगे आप, लीन टू रूफ, ठीक है। अभी अगला वाला शेप लेते हैं हम, ऐसा, ठीक है, इसे भी आप गटर बना सकते हो, ठीक है, ऐसा देखिए, दोनों जो दोनों यहाँ पे भी बारिश आएगी ना, ठीक है, तो आप यहाँ पे भी रूप बना सक ये गटर दे सकते हो, यहाँ पे बारिश का पानी यहाँ से आता है, ठीक है। ये दीवार होती है, ठीक है, या फिर कॉलम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, सिर्फ दिखाना था मुझे आपको कि कैसा होता है। इसे हम कपल कपल रूप बोलेंगे। इसे याद रखने का भी बहुत आसान से आसान तरीका है दोस्तों, देखिए ये लीन हो रहा है, ठीक है, लीन मतलब नीचे नीचे जा रहा है, ठीक है ना, और ये कपल मतलब दो रूफ रूफ से इसको, ठीक है, जो कि एक साथ है, ठीक है ना, जैसे कि हम बोलते हैं कि वाइफ हस्बैंड को हम कपल बोलते हैं, ठीक है, जो हमेशा मरते दम तक एक साथ में रहते हैं, ठीक है, थीके? तो ये आप थोड़ा सा इसे कॉमेडी ना ले तो एक याद करने का तरीका, ऐसे भी आप इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है दोस्तों। अभी अपना नेक्स्ट थर्ड नंबर का शेप, इसे भी आप गटर देना चाहते हो तो दे सकते हो, ठीक है, ताकि पानी यहाँ से नीचे उतरे, ठीक है। मैं ये जानबूझ के आपको ये डॉट दिखा रहा हूँ, ठीक है, बारिश की जैसे, है ना, रेन्स रेन में आपको जानबूझ के बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको ये गटर का मतलब वैल्यू आप लोग समझ सको, ठीक है। तो ये ऐसा शेप तो होता नहीं, कहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा ये फिगर, ठीक है, तो लिए मैं जानबूझ के ऐसा बना रहा हूँ, ठीक है, पानी का। तो अभी
ये भी दीवार हो सकता है, ये भी कुछ भी हो सकता है, कॉलम भी हो सकता है, इसकी कॉलम को टच होके दीवार भी हो सकती है, ठीक है। तो सिर्फ शेप दिखाता हूँ मैं, तो यहाँ पे देखिए ये वाली रूफ़ और ये वाली रूफ में, ठीक है, चेंजेस क्या है, सिर्फ बीच में ये वाला आ गया, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, कॉलर, बीम, रूफ, ठीक है। अभी चौथा देखते हैं, इसे भी आप दे सकते हो गटर। अभी ये देखिए यहाँ पे इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। ये जो है यहाँ से था, ठीक है, थोड़ा ऊपर से ये कॉलम या फिर जो भी वॉल होगा, ठीक है, तो इससे थोड़ा ऊपर था यहाँ, इसके ऊपर वो ये रेस्ट नहीं था, ठीक है। अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ ये रूप, ये इसके ऊपर रेस्ट होगी दोस्तों, ठीक है। ये जो कॉलर था इसका, जो इस पर रेस्ट हो गया, अभी इसे हम कपल क्लोज बोलेंगे, रूफ, ठीक है, कपल क्लोज रूफ इसे बोलेंगे, ठीक है, इस स्पीकर को। अभी हमारा पांचवा, इसे भी आप गटर दे सकते हो। ये वाला सेम उसके जैसा है, थोड़ा ऊपर है, ठीक है, डायरेक्टली रेस्ट नहीं है, जो भी ये कॉलम है या फिर वॉल है, ठीक है, इसके ऊपर ये नहीं है, ये मतलब ये जो कॉलर वाला हमारा जो भी बीम होगा या फिर आप लकड़ी का कुछ डालते हो, ठीक है, जो भी होगा, या फिर EMS का कुछ एंगल वगैरह या फिर सी चैनल वगैरह जो भी आप डालते हो, पोल वगैरह है ना ये कॉलर का, ठीक है, तो ये इसके ऊपर रेस्ट नहीं है, इसे हम डबल रूप बोलते हैं, ठीक है। अभी आप सोचते होंगे कि ये वाला, ठीक है, ये वाला और ये कॉलर, कॉलर वाला, ठीक है ना, ये नहीं ऊपर है थोड़ा, ये वाला इसमें फ़र्क क्या है, ठीक है। तो इसमें फ़र्क इसमें और उसमें ज़रूर फ़र्क है दोस्तों, ठीक है, उसका आपको स्पेसिफिकेशन भी मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आप सिर्फ थोड़ा सा फिगर आउट पे आप ध्यान देना है आपको, ठीक है। इसका हर एक रूप का मैं जब डेफिनेशन बताने वाला हूँ, ठीक है, ये रूप कैसे बनानी होती है, ठीक है, इसका लोड कहाँ पे रहता है ना, और इसका शटरिंग कैसे होगा, है ना, और ये यहाँ पे सिर्फ ऐसा एक फिगर आउट करके दिया है मैंने, तो ये इसमें एंकर कैसे होगा, ठीक है ना, तो ये तब आपको सभी चीज़ क्लियर कर दूंगा मैं। अभी लेते सिंपल सा सिक्स, सिक्स नंबर का अपना, जो कि हमारा ये कॉलम है, ये वाला एक कॉलम है, और यहाँ पे सिंपल सी ऐसी एक रूप है, ठीक है, इसे हम रेगुलर रूप कहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अभी थोड़ा सा स्टेट वाइज भी है, थोड़ा सा इसमें बहुत सारे रूप्स है, जैसे कि
मद्रास टेरेस रूप रहता है, बंगाल टेरेस रूप रहता है, ठीक है ना। और अपना ये क्या किंग पोस्ट रूप रहता है, ठीक है, क्वीन पोस्ट रहता है ना। ऐसे बहुत से सारे रूप के हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये तो एक स्टेट वाइज उसका नाम है, ठीक है ना। जैसे कि आपको समझ में आ रहा है कि बंगाल मतलब बंगाल में ज़्यादा चलता होगा, ठीक है, मद्रास तो मद्रास में ज़्यादा। तो उसका अगर आपको मतलब मैं उसका फिगर आउट भी आपको करके देता हूँ। चलिए जाने दीजिए, थोड़ा सा और आपका समय लूँगा। 7 नंबर डाल देता हूँ, ये समझ लीजिए कॉलम है, ठीक है। ऐसी एक रूप निकलती है, या फिर या ऊपर ये दीवार भी हो सकती है, और ये पैरापेट पैरा ये भी हो सकता है, पैरापेट वाल हो सकता है छोटी सी, ठीक है। यहाँ पे ये रूप आ गई, ठीक है। यहाँ पे एक वाल हो सकता है या फिर कॉलम हो सकता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आगे निकलता है कैंटिलीवर, ठीक है। तो ये हो गया अपना बंगाल, बंगाल टेरेस, ठीक है। और रूप अभी लेते हैं 8 नंबर, ठीक है। अभी 8 नंबर में क्या होता है, ये छोटा सा ऊपर रिड्यूस होता है, ठीक है, जो भी कॉलम हो, बान ब्रिकोर हो, जो भी जो कुछ भी हो, ठीक है। यहाँ से रिड्यूस होके फिर थोड़ा और बढ़ा लेता हूँ, यहाँ से थोड़ा नीचे बड़ा रहता है, ठीक है, कॉलम वॉल जो भी होगा, थिकनेस, ठीक है, थिकनेस के ऊपर है वो। अभी यहाँ पे जो छोटा वाला रहता है पार्ट, यहाँ से ऐसे सपोर्ट रहते, ठीक है। इसका भी नाम है अलग अलग, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और उसके नीचे भी एक स्ट्रक्चर किया जाता है इस यहीं पे, ठीक है, जो बड़े वाला अपना है ना, यहाँ से जो बड़ा साइज़ का कॉलम जो भी ब्रेकर हो, ठीक है, यहाँ पे भी ऐसा स्ट्रक्चर रहता है। ये लकड़े का भी हो सकता है, ठीक है, या फिर आपको अगर ये ब्रिक में बनाना है, या फिर ठीक है जो भी आपको यूज़ करना है, ठीक है। तो ये ऐसा रहता है, यहाँ से फिर अपना ऐसे जाता है थोड़ा ऊपर, ठीक है, यहाँ से थोड़ा ऐसा आता है, जैसे कि अपना जो ये वाला जो रूप है, ठीक है, ये वाला इसके जैसा थोड़ा जाएगा, लेकिन नॉर्मली, ठीक है। इतना ध्यान में रखना है आपको कि ज़्यादा नहीं जाएगा ऐसा, ठीक है, ये शेप थोड़ा सा जाएगा वैसे। और यहाँ पे अपना जो, ठीक है, ये वाला हो गया। यहाँ पे आप ये वाला भी कॉलर डाल सकते हैं इसको, ठीक है। कॉलर अगर यहाँ पे आ गया तो आपका समझ लीजिए यहाँ पे नीचे एक बड़ी सी स्लैब आती है, ठीक है, इसे बढ़ा देता हूँ मैं। यहाँ पे जो भी हमारा बनता है ये वाला स्टोन, यहाँ पे स्टोन भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ इसे हम मद्रास टेरेस रूफ बोलेंगे, टेरेस रूफ, ठीक है। तो दोस्तों ये देखिए, मैंने आपको आज का वीडियो में यही बताना था मुझे कि रूप्स कितने टाइप्स की रहती है, ठीक है। तो ये हमारा आपको ध्यान में रखना है कि रूप्स जो भी हमें मतलब जबकि आप अगर कॉन्ट्रैक्टर हो, या फिर कोई इंजीनियर हो, या फिर बिल्डर हो, तो आपको एक पता होना चाहिए कि ये अगर ये रूप रूप ये ना नाम का रूप अगर हमें बनाना है तो ये वो किस तरह से बनेगा, ठीक है। तो ये कम से कम ये फिगर आपके पास होनी चाहिए सभी, ठीक है। तो हमें बनाना कैसे है, ठीक है, तो ये बात की बात है कि इसकी डिज़ाइन कैसे करें, ठीक है दोस्तों। ये स्ट्रक्चरल के पास रहता है, या फिर आर्किटेक्चर के आर्किटेक्ट भी आपको बता सकते हैं कि इसका मतलब कैलकुलेशन करके जो भी प्लॉट वगैरह देखेगा, ठीक है, तो इसके उसके मुताबिक आपको डिज़ाइन बना के देगा, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर भी कैसा बनेगा, तो वो भी जो RCC कंसल्टेंट रहेगा उसकी तरफ से हमें रिवाइज करके प्लान देंगे, ठीक है दोस्तों। या फिर कोई डिज़ाइनर होगा, ठीक है ना,
तो ये सब बात की बात है, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए मेरे हिसाब से कि आपको अगर डबल रूफ बनानी है तो दोस्तों ये ऐसी बनानी है, हमें ऐसा याद रखना है, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको कि थोड़ा कुछ अलग आपको आज सीखने को मिला होगा। तो हमारा वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ में सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे, ठीक है दोस्तों। और ज़रूरतमंद दोस्तों के दोस्तों तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइएगा, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।